हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने जीवन में 10 रुपीज के कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन से कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, स्क्रीन पे एक कॉइन दिखा जो 10 रुपीज का विक्टोरिया क्वीन का कॉइन है। इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो इस कॉइन की अगर आप ओवर साइड में देखेंगे तो ओवर साइड में आपको विक्टोरिया क्वीन का एक पोर्ट्रेट मिलेगा, और अगर यानी बैक साइड यानी रिवर्स साइड में आएंगे कॉइन के तो कॉइन की जो डिनोमिनेशन है 10 रुपीज और इंडिया और कॉइन कौन से ईयर में मिंट हुआ था यानी 1870 आपको लिखा हुआ मिलेगा। दोस्तों, इस कॉइन की जो मिंटेज हुई थी कोलकाता मिंट से हुई थी और ये एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। इस कॉइन की अगर बात करते हैं तो इस कॉइन का जो मेटल होता है वो गोल्ड होता है और कॉइन का जो वेट होता है अप्रॉक्स 7.7 ग्राम्स तक होता है। अगर कॉइन की साइज की बात की जाए तो इसका जो साइज होता है 22.30 से लेकर 22.40 mm के बीच में होता है, नहीं ये कॉइन का डायमीटर होता है। दोस्तों, इस कॉइन मेन चीज क्या होती है कि बहुत ही पुराना सिक्का और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन। आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि 1870 में भी 10 रुपीज के कॉइन चलते थे, क्योंकि उस समय 1 आना 2 आना चलता है तो बहुत से लोगों को लगता था कि हाँ वही चलते थे कॉइन्स, लेकिन ये 1870 में 10 रुपीज का गोल्ड कॉइन भी चलता था। इस कॉइन की जो वैल्यू होती है इसकी तो मेटल वैल्यू ही है, और बाकी जो इतना पुराना है यानी हिस्टोरिकल वैल्यू या एशियन वैल्यू कह सकते हैं इसकी, वो भी वैल्यू होती है। अब इसकी वैल्यू की बात की जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है आप अगर किसी कैटलॉग में या कॉइन बुक्स में देखेंगे तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 4.5 लाख से 6 लाख के बीच में दी हुई है। अब ये डिपेंड करता है कि कॉइन की कंडीशन क्या है। आपको हमने अपनी हर वीडियो में बताया कि अगर कॉइन की कंडीशन अच्छी है तो उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और कॉइन की कंडीशन थोड़ी बेकार यानी यूज कंडीशन में है तो उसकी वैल्यू उसी अकॉर्डिंग मिलेगी। जो कॉइन की कंडीशन यानी होती है उस पर कॉइन की कंडीशन पे कॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कॉइन की कंडीशन अच्छी होगी तो वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, कॉइन कंडीशन बेकार होगी तो वैल्यू उसी अकॉर्डिंग कम होगी। क्योंकि जो कंडीशन होती है, आप मान लीजिएगा आप एक कलेक्टर है, जो लोग यूएनसी कंडीशन का कलेक्शन करते हैं तो वो लोग सिर्फ यूएनसी का कॉइन्स ही रखते हैं। इसलिए दोस्तों, ये कॉइन बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर आपके पास ये किसी भी कंडीशन में आता है, यूज कंडीशन में भी आता है, तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, ऊपर से ये गोल्ड का कॉइन है तो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत जो बड़े बड़े ऑक्शन हाउसेस हैं वहां पे आपको ये देखने मिलेगी, अगर आप किसी एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहां पे आपको ये देखने को मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल जैसे जैसे कॉमन जो पीपल होते हैं यानी कॉमन आदमी होते हैं उनके पास ये देखने को कम मिलेगा। अगर आपको देखने को मिलता है तो बहुत से ऐसे मार्केट में डुप्लीकेट कॉइन्स भी आ गए हैं, रेप्लिका आ गए हैं कॉइन्स के, जो गोल्ड के होते हैं लेकिन उस टाइम के नहीं होते, यानी उनकी मेटल वैल्यू तो है लेकिन हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो फेक होते हैं यानी डुप्लीकेट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी के पास भी ये कॉइन है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए या आपको सेल करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी डीलर का यानी किसी भी एग्जीबिशन हाउस का आपको नंबर दे देंगे, जो आप वहाँ उनसे बात करिए, आप ये कॉइन सेल करें। लेकिन ये कॉइन सेल करने से पहले आपको इसको ग्रेड कराना पड़ेगा। ग्रेडिंग के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई और भी पुराने सिक्के हैं, नोट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको पता करनी है तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ हमें कॉन्टैक्ट करिए, आपको जरूर आपके कॉइन्स की जेन्युइन वैल्यू बताएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड्स के साथ। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, दबा दें बेल बटन जिससे कि हमारे वीडियोज आने वाले सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।